हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर आइए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और शेयर माय वीडियो। तो चलिए फ्रेंड, आज बात करते हैं हमारे माउंटेन इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड के बारे में, जो हमने खरीदा था लगभग 6 महीने पहले। तो आज हम उसका करने जा रहे हैं रिव्यू, और इसके बारे में जानकारी आपको बताने वाले हैं कि इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप यह वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने इसको देखा अली एक्सप्रेस पर सर्च करते हुए, और हमने इसमें फिर इसको बाय करने का सोचा। और फिर हमने जब इसको बाय करा तो जो सेलर था वो यहाँ पर इंडिया में एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फिर हमने अपने इंडिया से ही इंपोर्ट कराने का सोचा कि इंडिया में हम किसी फ्रेट फारवर्डर से बात करते हैं। तो हमने फ्रेट फारवर्डर से भी बात करा, तो फ्रेट फारवर्डर बोला कि कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो लगभग उसने मेरे को $80 का अमाउंट दिया कि आपका लगभग $80 लगेगा वहाँ से चाइना टू इंडिया आने में। तो फिर मैंने कंफर्म कर दिया, और फिर लगभग महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे बीत गया। तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि ये मेरे पास आएगा, और लेकिन लगभग 6 महीने 21 दिन बाद ये हमारे घर पर डिलीवर्ड हो गया। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड आज हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और इसका जो परफॉर्मेंस रहा 6 महीने में तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, इस पर सबसे पहले तो ये इसका जो बोर्ड है, ये 6 लेयर मैपल बोर्ड है, और इसमें जो ऊपर साइड पे चढ़ा हुआ है ये अपना MV पेपर है, जिससे अपन स्किड ना हो। आप देख सकते हैं ये MV पेपर है, और इसमें जो लेग्स को होल्ड करने के लिए ये ग्रिप्स दी हुई हैं दो, और इसमें जो टायर है फ्रेंड, ये टायर का साइज़ है 200x50 mm, और ये नायलॉन के टायर हैं, इसमें 410 kb। इसमें जो प्रेशर का भी मेंशन करके रखा है कि इसमें कितना प्रेशर अपन को फिल करना है हवा का, और इसमें फ्रेंड हवा फिल होती है इसमें, ये अपना टैप लगा हुआ है। और इसमें नीचे साइड दिया है फ्रेंड इसमें बैटरी कंपार्टमेंट, जिसमें अपना बैटरी रखा हुआ है, और ये 10,000 AH का बैटरी है, एम्पियर आवर का, जो कि हमें लगभग 22 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करा देती है। और फ्रेंड ऐसे ही इसमें पीछे वाला जो ट्रक है फ्रेंड, ये इसमें फ्रंट वाला ट्रक है जिसमें कोई मोटर वगैरह नहीं है, केवल ये फ्री ट्रक है, और जो पीछे वाला ट्रक है वो है अपना फ्रेंड पावर ट्रक। तो इस वाले ट्रक में अपना मोटर माउंट भी है, और इसमें मोटर माउंट भी है, और ये वाला फ्रेंड अपना version 3 है, SYL 08 version 3। तो version 3 है, version 3 में अपना इसमें 3 सपोर्ट एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। पहले जो version 2 था उसमें 2 सपोर्ट थे मोटर के लिए, मोटर माउंट के लिए, कि अपना मोटर पे कोई इफेक्ट ना पड़े जैसे डैमेज पे भी। तो ये अपने जो मोटर है, ये अपना एक मोटर 1650 वाट का है फ्रेंड, तो दोनों मोटर मिलाकर अपना हुआ 3300 वाट, 3300 वाट हो गया, और 3300 वाट का आप पावर समझ ही पा रहे होंगे। और ये मोटर में जो पुली लगी हुई है फ्रेंड, तो पुली में आप देख सकते हैं अंदर साइड पर, ये अंदर साइड पर पुली लगी हुई है मोटर का, तो इसी पर अपना बेल्ट चढ़ा हुआ है, और ये अपना व्हील पे भी पुली है, और ये बेल्ट ड्राइव है, तो अपना बेल्ट से ही अपना ट्रांसमिशन लेता है। और इस वाले में भी सेम प्रोसीजर है, और इसमें फ्रेंड ये अपना मोटर माउंट है जिसपे अपना मोटर पूरा माउंट है, और ऐसा ही सेम इस साइड भी है। और इसमें फ्रेंड अपने तो फ्रेंड अब हम उसको करते हैं पलट के, आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या और फीचर्स हैं। तो फ्रेंड इसमें जो नीचे का जो पार्ट है वो आपको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, तो
तो फ्रेंड नीचे साइड से ये हमारा माउंटेन इलेक्ट्रिक बोर्ड स्केट बोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें कुछ स्क्रैचेस वगैरह भी आए हैं जो नीचे से चलाते टाइम पे जो रगड़ जाता है। और ये रहा हमारा नीचे से फ्रेंड, इसमें ये अपना जो स्प्रिंग लगा हुआ है ये जो, तो ये अपना स्प्रिंग इस बोर्ड को बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, ना कि ये शॉक एब्जॉर्बर है। ये स्प्रिंग इसलिए लगा हुआ है कि इसमें जो बैलेंस बना रहा है जो ऊपर राइडर खड़ा हुआ है। और इसमें फ्रेंड ये लगा है इसका बटन, और ये अपना ये इसमें दिया है यहाँ पर चार्जिंग के लिए। तो और ये जो वायर गए हैं तो ये अपने मोटर में गए हुए हैं फ्रेंड। और ये अपना जो इसका एंटीना है जो कि बहुत ही टिनी है, टाइनी। तो और बाकी इसमें ये अपना ड्रैगन बना हुआ है, और इसके जो टायर हैं मैंने आपको इसका टायर का डायमेंशन बता ही दिया था, 200x50। और इसमें इसका प्रेशर भी लिखा है 60 PSI, इसमें प्रेशर अपन को फिल करना होता है। और इसमें जो मोटर की जो पुली है फ्रेंड उसको कवर करने के लिए इसमें कवरिंग भी दी गई है, और जो इसका ओल्ड वाला वर्जन था उसमें ये पुली नहीं, ये कवर नहीं दिया गया था, पुली आपको सामने से ही दिखती थी। और इसमें जो बेल्ट का मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सी वाली बेल्ट, इसमें बेल्ट का नंबर, तो बेल्ट का नंबर है 435.5 mm, ये वाला इसमें बेल्ट यूज़ होता है। सेम एज इस वाले में भी यही है। और मोटर को सपोर्ट के लिए ये तीन रॉड दिए गए हैं, और जो इसका ओल्डर वर्जन था उसमें ये रॉड केवल दो दिए गए थे, और उससे भी जो फर्स्ट वाला था उसमें केवल एक ही रॉड होता था, और इस वाले में तीन रॉड हैं जिससे कि इसको मोटर को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, और कहीं पे पीछे साइड पे टकराने पर भी ये डैमेज नहीं होते हैं मोटर। और इसको हमें ऑन करने के लिए सबसे पहले तो या तो आप व्हील को ऐसे स्पिन कर दें तो ये ऑन हो जाएगा अपने आप, और या फिर अपन रिमोट कंट्रोल के स्विच से भी अपन कर सकते हैं। जैसे अपन ये व्हील को स्पिन करेंगे तो अपने आप ऑन हो जाएगा ये, और फिर बाकी का अपन इसको रिमोट से भी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसके बढ़ते हैं इसके रिमोट की तरफ, जो कि जो इसके साथ रिमोट आया था वो वाले रिमोट की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे ये ऑन हो जाता है, और फ्रेंड इसका जो ये लगभग अपना 20 से 22 किलोमीटर चला जाता है, और एक चार्ज में, और इसको चार्ज होने में लगता है लगभग 3 घंटे 22-23 मिनट के लगभग में ये फुल चार्ज हो जाता है। तीन घंटे और 20 से 22 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। और जो इसका जो बैटरी है ये है 10 एम्पियर आवर का, और इसमें बैटरी भी है ऑफ, एंड जो रिमोट सॉरी जो क्या कहते हैं मोटर का कंट्रोलर है वो इतने से पार्ट में लगा हुआ है, और इस वाले पार्ट में इधर इतने पार्ट में लगा हुआ है बैटरी जो 10 एम्पियर आवर का है, और यहाँ पर लगा हुआ है अपना इसका कंट्रोलर बोर्ड। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको कंट्रोलर बोर्ड मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा खरीद के रखा था, तो वो मैं आपको बताता हूँ इसका जो कंट्रोलर बोर्ड है। तो फ्रेंड जो इसका कंट्रोलर बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, फ्रेंड जो कंट्रोलर बोर्ड है वो यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें ये की वगैरह है इसका, और ऐसा मतलब ये सेम है ऐसा ही है बिल्कुल जो इसके अंदर लगा हुआ है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहेंगे इसको तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इसका कंट्रोलर बोर्ड है जो दोनों मोटर को पावर देता है, जैसे मोटर और रिमोट कंट्रोलर से ये ऑपरेट होता है ये वाला। और फ्रेंड इसके लिए मैंने अलग से दो मोटर और मंगाई हैं, तो इसको मैं जैसे पीछे साइड पे भी ड्राइव है तो आगे साइड पे मैं भी इसमें 4 व्हील ड्राइव्स को कन्वर्ट करूँगा कभी आगे चलकर।
तो अभी तो फिलहाल इसका पावर बहुत है, तो इतना ही मेरे से नहीं संभलता है, तो फिर मैं इसीलिए अभी फ़िलहाल तो नहीं करूँगा, लेकिन आगे चल के मैं इसको फोर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करूँगा। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अब हम इसके कंट्रोलर की तरफ, और आपको बताते हैं इसके क्या फंक्शन है, कैसे क्या ऑपरेट होता है ये अपना माउंटेन इलेक्ट्रिक स्केट बोर्ड। तो फ्रेंड ये वाला जो कंट्रोलर है ये हमारा इसी बोर्ड के साथ आया था, और फिर नेक्स्ट मैंने इसको ये वाला जो कंट्रोलर है ये ख़रीदा है। तो ये वाला कंट्रोलर है, इसमें सारा डिस्प्ले वगैरह है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है अपने बोर्ड की, कि कितना पावर है इसमें, कितना किलोमीटर ये चल गया है, और भी बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए अब हम करते हैं इसके कंट्रोलर के बारे में बात। तो फ्रेंड इसको ऑन करना, तो फ्रेंड इसको ऑन करना बहुत इजी है, इसमें पावर बटन है, रिवर्स बटन है, यहाँ पर दिया है फ्रेंड, इसमें चार्जिंग पोर्ट, और ये इसका थ्रोटल है, ये आगे साइड पे करेंगे तो अपना एक्सेलरेट होता है ये, जितना आप बढ़ाना चाहें पावर उतना, और पीछे साइड पे अपन इसको पीछे साइड ट्विस्ट करेंगे तो ये अपना ब्रेक लगा देता है। तो फ्रेंड चलिए हम इसको करते हैं ऑन और बताते हैं इसके बारे में सारी। तो फ्रेंड इसमें जो राइट साइड है, तो उस साइड पे हमारा कंट्रोलर है बोर्ड, उसका बैटरी शो करता है, तो अभी हमारा बोर्ड ऑन नहीं है, चलिए हम बोर्ड को करते हैं ऑन, और तो इसमें उसका बैटरी शो होने लगा। तो फ्रेंड अभी आप देख पा रहे होंगे बोर्ड का भी बैटरी शो होने लग गया है, और जो लेफ़्ट साइड है जो रिमोट कंट्रोल का बैटरी है तो कुछ कम है अभी फ़िलहाल में, और ये लगभग हमने इसको 103 किलोमीटर चला चुके हैं फ्रेंड, ये ODO लिखा हुआ है, और इसमें जो आई लगा हुआ है फ्रेंड, तो इसमें जब अपन यूज़ करते हैं इसको तो इसमें इसका जो करंट है, कितना करंट आप ले रहा है ये अपना बोर्ड उतना बताता है, और ये 0 किलोमीटर ये इसका स्पीड बताता है कि इसमें कितना अभी स्पीड फ़िलहाल में चल रहा है, और ये मैक्स लिखा हुआ है, तो मैक्स का मीनिंग होता है ये अपना मैक्स लिखा हुआ है, ये अपना जो अभी अपन चला रहे हैं करंट में, तो अभी अपना टॉप स्पीड कितना गया है उतना ये अपना शो करता है कि 10 किलोमीटर टॉप स्पीड गया है आप जब से चला रहे हैं ऐसा कुछ। और ये फॉरवर्ड वाला है कि आपका फॉरवर्ड पे चल रहा है अभी कंट्रोलर, मतलब आगे की तरफ चल रहा है, और अपन इसको 2 बार पुश कर देंगे पावर बटन को तो ये बैकवर्ड हो गया है, तो ये अपना जो जो बैक वाले जो व्हील है पावर वाले, तो ये वाले साइड अपना फ्रंट हो जाएगा और ये वाला साइड अपना हो जाएगा रियर, और ये वाला और एक्चुअल में जब फॉरवर्ड पे चलता है तो ये वाला फ्रंट होता है और ये वाला होता है अपना जो क्या कहते हैं जो मोटर वाला वो ट्रक होता है वो पीछे साइड का होता है, मतलब रियर साइड का, और जब अपन इसको बैकवर्ड कर देते हैं, जब अपन कर देते हैं इसको बैकवर्ड, तो ये वाला जो व्हील है मोटर वाला वो हो जाता है अपना फ्रंट वाला। तो और इसमें ये अपना इसका पावर है, जैसे अभी लो पर है फिलहाल में सेट, और अपन ये जो रिवर्स वाला बटन है इसको 1 बार दबा देंगे तो ये मीडियम वाला पावर, मीडियम पावर पे वर्क करेगा, और 1 बार और पुश कर देंगे तो ये हो जाएगा हाई पे, और 1 बार और पुश कर देंगे तो ये प्रो, ये मतलब सबसे तेज अभी पावर पर चलेगा ये अपना इलेक्ट्रिक स्केट बोर्ड ये हाई पे, और फिर इसको हम कर देंगे बंद, और फिर हम पावर वाले बटन को और फ्रेंड इसमें एक क्रूज़ मोड भी दिया हुआ है, जो क्रूज़ मोड होता है तो अपन इसको सेट कर सकते हैं, जैसे पावर की और जैसे इसमें इसमें फ्रेंड अपना एक क्रूज़ मोड भी दिया हुआ है, तो इसमें हम जैसे पावर की को और ऐसे अपन इसको चला रहे हैं कुछ स्पीड पर, तो वो वाली स्पीड पे करके अपन इसमें पावर की को दबा देंगे तो ये क्रूज़ मोड पे आ जाएगा, देखिए क्रूज़ मोड पे आ गया है, तो ये अभी जितनी भी स्पीड चल रही है तो अपन को कंट्रोलर को छूने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप चलेगा, और जब अपन को इसको इसका क्रूज़ मोड हटाना हो तो इसको अपन ब्रेक पे सेट कर देंगे तो ये अपना क्रूज़ मोड हट जाएगा, तो अपन फिर अपन इसको चलाएंगे तो ये अपना इजीली अपना चल पाएगा, अपन जितना इसको यूज चला जितना थ्रोटल लेंगे उतना चलेगा, और अपन इसको ऐसे क्रूज़ मोड फिर से लगाना हो तो इसको जितनी स्पीड पे अपन सेट करना चाहें क्रूज़ मोड उतनी स्पीड पर आप इसको चलाएंगे, और इसका पावर बटन
पुश कर देंगे तो इसमें क्रूज़ मोड ऑन हो जाएगा, और फिर से हमें क्रूज़ मोड हटाना हो तो इसको रिवर्स वाल्व पे ब्रेक पैक हम सेट कर देंगे, तो इसका क्रूज़ मोड अपने आप हट जाएगा। और इसमें इसमें एक चीज़ और है फ्रेंड, जो इसका जो चार्जिंग टाइम है, तो चार्जिंग टाइम तो बहुत ही कम है, 10 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है। और उसमें जो जैसे हमें ब्रेक का पावर बढ़ाना है फ्रेंड, तो ब्रेक का पावर बढ़ाने के लिए अभी फ़िलहाल में तो ये इसमें फ्रेंड अपना ब्रेक वाला जो है सिस्टम, उसमें भी 4 मोड दिए हुए हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में प्रो मोड पे सेट है, तो ब्रेक का जो हमें पावर को अप डाउन करना है, तो अपन पहले ब्रेक पे सेट करेंगे और ये रिवर्स वाला बटन दबाएंगे तो लो पर आ गया, और ब्रेक पे ही सेट करके अपन इसको फिर से जितने बार दबाएंगे तो उसका 4 बार में ये इसमें ब्रेक के 4 लेवल दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन ब्रेक का दबा के इसको सेट कर सकते हैं रिवर्स वाले बटन को, तो इसमें ब्रेक का लेवल सेट हो रहा है। और आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही था, और चलिए अब हम चलते हैं इसमें राइड की तरफ कि हमने इसको कैसा क्या एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए हम इसका राइड आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या रहा। और फ्रेंड ये हमारा था ओल्ड वाला, जो हमारे इसके साथ आया था जो कंट्रोलर है, तो ये वाला कंट्रोलर थोड़ा मैंने इसको यूज़ नहीं किया है फ्रेंड, ये वाले कंट्रोलर को, तो इसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है। और फिर भी फ़िलहाल में हमें इसको जैसे यूज़ करना है, तो इसमें ये एक्सेलरेशन वाला, ये ब्रेक वाला, ये इससे पावर ऑन हो जाता है अपना, और इससे ऐसे अपन को रिवर्स पे करना है, तो इसको रिवर्स वाले पे दबा देंगे तो ये रिवर्स की साइड पे जाएगा। और फ्रेंड ये अपना जैसे कनेक्ट होता है तब ये ग्रीन रहता है, और अदरवाइज ये अपना रेड हो जाता है। और ये है माउंटेन इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड की जो बैटरी लगी हुई है उसका लेवल बताता है ये, कि ये जे 1 पे 25% और इस पे 50, इस पे 75, इस पे 100, ऐसे बताए। और ये अपना जो कंट्रोलर है उसकी बैटरी शो करता है जैसे, और इसमें नीचे साइड पे दिया हुआ है ये अपना चार्जिंग पोर्ट, और ये अपना स्ट्रिप दी हुई है जिससे अपन इसको पकड़ ग्रिप करके ऐसे गिरे ना, और इसका ये जो पकड़ने का ग्रिप अच्छी बनी हुई है कि इसमें अपना फिंगर को फिक्स करके और परफेक्टली अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने राइड पर और आपको बताते हैं कि हमने इसमें कैसे इसको यूज़ किया है और कहाँ कहाँ पे हमने इसको चलाया है। तो चलिए फ्रेंड एंजॉय माय राइड, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।